हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम फिर से एक नई टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं और आज फिर से एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और कॉन्सेप्ट नया नहीं है, कहे तो हम पिछले 2-3 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है रूपांतरित सिद्धांत के बारे में। तो रूपांतरित सिद्धांत जो ग्रिफिथ ने दिया था, उसके बाद जो रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक लक्षण के बारे में तीन साइंटिस्ट थे, और आप हमें इस तीनों का जवाब देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और हमें ये भी बताएंगे कि जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम, ये दो क्वेश्चन है। और हम जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका सही जवाब बहुत सारे बच्चे देते हैं जिनका नाम इस प्रकार से है, जैसे आराधना यादव, उसके बाद अलका राय, उसके बाद सृष्टि यादव, और उसके साथ साथ कुमकुम राय, और फिर उसके बाद ज्योति राय, ठीक है, और उसके बाद अनिल मौर्य करके कोई मैसेज आता है, अंशिका बिंग, ठीक है। और जिन बच्चों का नाम हम अगर भूम, हाँ, सेजल सरोज, प्रिया सरोज, ठीक है, इन सारी बच्चियों और बच्चे जो होते हैं, ये सभी के सभी जो हैं लगातार कंटिन्यू जो है क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है बच्चों, आप भी अगर लगातार देते रहिए। और जिस बच्चे का नाम अगर हम भूल गए हों तो हमें क्षमा चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सर हम भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी हेडिंग क्या है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, इसी के बारे में झगड़ा चल रहा है। तीनों साइंटिस्टों ने प्रूफ किया, मतलब तीनों साइंटिस्टों ने बताया कि नहीं, हाँ, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन इसके बारे में इसको कोई मानने को तैयार नहीं था, सबके सब चिलगोजर थे, ठीक है, कोई मान ही नहीं रहा था इस बात को। इसलिए दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, अल्फ्रेड हर्से और मार्था चेस, दोनों लोगों का नाम लिख देते हैं, क्या नाम है, अल्फ्रेड हर्से, और दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, मार्था चेस, यानी कहते हैं हर्से व चेस। किस सन की बात है बच्चों, 1952 की बात है, 1952 ईस्वी की बात है। 1952 ईस्वी में कौन थे, अल्फ्रेड हर्से, मार्था चेस नाम के दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या दिया बच्चों, जिन्होंने आनुवंशिक पदार्थ एक डीएनए है इसको प्रूफ करके बता दिया। कैसे किया, चलिए इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक जीवाणु भोजी वायरस को लिया, जीवाणु भोजी वायरस मतलब ऐसा वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करता है, तो ये कौन सा वायरस है बच्चों, ये है जीवाणु भोजी वायरस, ठीक है, ये जीवाणु भोजी वायरस है। और ये क्या है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया होती है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया को एक प्रकार का जीवाणु भोजी वायरस संक्रमित करता है। उन्होंने सबसे पहले बच्चों किया, एक संवर्धन माध्यम लिया, मतलब दो लिया, ठीक है, दो संवर्धन माध्यम लिया। एक में उन्होंने रेडियो एक्टिव, यानी इसमें उन्होंने क्या भरा, रेडियो एक्टिव सल्फर 35 लिखा होगा, बुक देखिए सभी लोग एनसीईआरटी अपनी, रेडियो एक्टिव यस यानी सल्फर 35 को इसमें भर दिया, और इसमें बहुत सारे जीवाणु भोजी वायरस को रख दिया। ये रहे जीवाणु भोजी वायरस इस तरीके से। और इसमें बच्चों क्या लिया, उन्होंने लिया रेडियो एक्टिव P32 फास्फोरस को लिया, इसमें उन्होंने फास्फोरस भरा, इसमें सल्फर, इसमें फास्फोरस, और इसमें भी जीवाणु भोजी वायरस को रख लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बच्चों, एकदम आसान है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं बताएंगे आप लोगों को, पढ़ाई करें ना, चलो देखो ध्यान से देखो, जीवाणु भोजी वायरस यानी जिसमें उन्होंने एक बर्तन में क्या लिया, रेडियो एक्टिव S35 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसा है S35 याद हो जाएगा ना आप लोगों को, रेडियो एक्टिव S35 को एक
बर्तन में लिया और रेडियो एक्टिव P32 फास्फोरस, P मतलब फास्फोरस, P मतलब पैरेट मत पढ़ लेना, P मतलब क्या होता है फास्फोरस होता है, तो उसको इसमें भरा। दोनों के अंदर कौन से वायरस को रखा, जीवाणु भोजी वायरस को रखा, दोनों के अंदर जीवाणु भोजी वायरस है ना, दोनों को डाल दिया। अब रेडियो एक्टिव था भैया, तो रेडियो एक्टिव होगा तो सीधा सा मतलब है अगर सल्फर, यानी इस वायरस के पास कहीं सल्फर होगा तो ये सल्फर उसको भी एक्टिवेट करेगा। इस जीवाणु भोजी वायरस के पास कहीं पर फास्फोरस होगा तो यहां पर एक्टिव होगा। क्यों क्यों बताइए क्यों, यहां पर हमने सल्फर लिया इसलिए, यहां पर हमने फास्फोरस लिया इसलिए। अरे भाई फास्फोरस सुनिए, जैसे ये एक वायरस है जीवाणु भोजी वायरस, अगर इसके पास फास्फोरस जहां पर होगा, जहां कहीं पर वह इसके पूरे शरीर में, जहां कहीं पर इसके पूरे शरीर में होगा, अगर हम इसे फास्फोरस में डालेंगे, फास्फोरस रेडियो एक्टिव फास्फोरस में, तो भाई फास्फोरस मजबूत होगा ना, इतना तो पता है ना। और यहां पर इस पूरे वायरस में जहां पर सल्फर होगा, अगर हम वायरस को सल्फर वाले माध्यम में डाल रहे हैं, इसका मतलब वायरस के पास जहां भी सल्फर होगा, सल्फर क्या होगा रेडियो एक्टिव होगा, समझ गए इतना। और हम बच्चों बता दें तो वायरस दो तत्वों से मुख्य रूप से मिलकर बना, मतलब दो प्रकार के पदार्थ उसमें मुख्य रूप से होते हैं, एक उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, दूसरा उसमें प्रोटीन की कोट होती है। क्या बोला हमने, पहला मतलब उसमें पहले बाहर की तरफ प्रोटीन की कोट, अंदर की तरफ आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए हो सकता है, समझे इतना, इतना समझे, चलिए अच्छी बात, इतना समझ गए। तो अब बात करते हैं, तो बच्चों याद रखिए प्रोटीन में सल्फर होता है, प्रोटीन में सल्फर होता है, कभी फास्फोरस नहीं पाया जा सकता। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही पढ़ा दिए हैं, अगर नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ के आओ, ठीक। हमने क्या बोला, प्रोटीन में सल्फर होता है, इसका मतलब जो इसका जो इसकी इस वायरस की आउटर कवरिंग लेयर होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, और जब प्रोटीन की बनी है तो प्रोटीन में सल्फर होता है, जब प्रोटीन में सल्फर होता है बच्चों तो बताइए तो ये रेडियो एक्टिव होगा कि नहीं होगा। और हमेशा याद रखिए डीएनए में फास्फोरस होता है, क्यों, रासायनिक जब संरचना बना रहे थे तो फास्फो डाइएस्टर बांड बना था कि नहीं बना, फास्फोरस होता है ना डीएनए में, जी हाँ बिल्कुल होता है। इतनी सारी चीजें अगर आपको पता है तो अब बिल्कुल आसान हो चुका है। अभी तक भूल जाइए कितना हम क्या पढ़ाएं, बस ये समझिए कि वायरस के पास आउटर कवरिंग लेयर प्रोटीन की होती है, प्रोटीन में सल्फर होता है, और बीच में जो डीएनए है डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन में कभी फास्फोरस नहीं पाया जा सकता और डीएनए में कभी सल्फर नहीं पाया जा सकता, समझ गए इतनी बात, ठीक है। तो वायरस के बाहर की कोट प्रोटीन है तो प्रोटीन में सल्फर है, अंदर डीएनए है तो फास्फोरस है, बस। दो संवर्धन माध्यम रखा, एक में रेडियो एक्टिव सल्फर लिया S35 और एक माध्यम में उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 लिया। अब कुछ वायरस को उठाया रेडियो एक्टिव फास्फोरस में रखा, कुछ वायरस को उठाया उसे उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में रखा, है ना, दोनों को अलग अलग रखा। अब बताइए कि रेडियो एक्टिव अगर सल्फर है तो कौन सबसे ज्यादा एक्टिवेट होगा, भाई जिसके पास सल्फर होगा, मतलब वायरस के पास जहां पर सल्फर होगा, तो आपको पता है कि वायरस की जो आउटर कवरिंग प्रोटीन की बनी होती है और प्रोटीन में होता है सल्फर, इसका मतलब इस वाले माध्यम में पाया जाने वाला वायरस की आउटर कवरिंग रेडियो एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन की खोल में होता है सल्फर, और सल्फर रेडियो एक्टिव में रखेंगे तो प्रोटीन की खोल उसकी कैसी हो जाएगी, रेडियो एक्टिव हो जाएगी। और इस वाले संवर्धन में कौन रेडियो एक्टिव होगा, इसका आनुवंशिक पदार्थ जो इसके अंदर डीएनए होगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस डीएनए में होता है, इतना समझ गए। क्योंकि अलग अलग साइंटिस्टों का कहना था कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है, कुछ का कहना था डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, अब इसी को सिद्ध करना था हर्षे और चेस को, और इसी को सिद्ध करने के लिए इस माध्यम का को अपनाया, जीवाणु भोजी वायरस को एक जगह लिया, ठीक है, एक जगह दोनों अलग अलग स्थान पे दोनों लोगों को, मतलब दोनों जीवाणु को ले लिया, सॉरी ये जीवाणु है ई कोलाई जीवाणु को ले लिया और जीवाणु भोजी वायरस को लिया। कुछ
ई कोलाई जीवाणु में, ध्यान से सुनिएगा, कुछ ई कोलाई जीवाणु में उन्होंने एस रेडियोएक्टिव, जो रेडियोएक्टिव में डाले गए वायरस थे उसके अंदर डाल दिया, और कुछ ई कोलाई जीवाणु में जो रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाले वायरस थे उसको डाल दिया। और हमने पहले ही बताया कि ये जीवाणु भोजी वायरस जो होता है ये जीवाणु को संक्रमित करता है। जीवाणु भोजी मतलब जीवाणु को खाने वाला वायरस, तो ये जीवाणु को संक्रमित करता है। उन्होंने क्या देखा बच्चों, ध्यान से देखिए, जैसे ही वायरस ई कोलाई के पास पहुंचा, तो जैसे ही पहुंचता है ई कोलाई के वाल से चिपक जाता है। चिपकने के बाद भाई इसमें तो अपना डीएनए छोड़ेगा, कुछ समय बाद यहां पर, यानी पहले तो संक्रमण होता है, यहां पर देख सकते हैं संक्रमण की क्रिया हो रही है। पहली क्रिया संक्रमण की, मतलब जीवाणु भोजी वायरस इस जीवाणु पर अटैक करके इसको मारने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब मारने की कोशिश का मतलब कि इसका डीएनए जब इसके पास जाता है तो जीवाणु के पास उपस्थित डीएनए से जीवाणु के पास उपस्थित जो डीएनए होता है वो समझ नहीं पाता, और जिसकी वजह से बहुत सारे वायरस बनते हैं इसमें बहुत सारे वायरस बनते हैं, तो ये जीवाणु मर जाता है। हमारी बात वो नहीं कि जीवाणु मरता कैसे, हम ये बात करना चाहते हैं कि जो साइंटिस्टों का झगड़ा था कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या प्रोटीन है, उसी को निपटारा किया जा रहा है हर्षे और चेस के माध्यम से। सबसे पहले जीवाणु को लिया उन्होंने और वायरस को उसके ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही वायरस को उसके ऊपर छोड़ा, इस वायरस ने अपने डीएनए को इसके अंदर भेज दिया, संक्रमण हो गया पहला। दूसरी क्रिया यहां पर देख सकते हैं बच्चों, यहां पर लिखा है अनावरण। अनावरण का मतलब ये जो खोल है, ये जो प्रोटीन की खोल है, और ये आपको रेड क्यों दिखाई दे रही है, इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि रेडियो एक्टिव S-35 है, क्योंकि भारी हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सल्फर किसमें होता है, प्रोटीन में, और प्रोटीन की खोल ही है वायरस का ये जो आउटर कवरिंग है। अब उन्होंने जैसे ही संवर्धन मार्धन को हिलाते हैं, वैसे ही जो उसकी प्रोटीन की खोल वो बाहर रह जाती है। उनको क्या देखने को मिलता है, उनको देखने को मिलता है कोशिकाओं में विकरण देखो रेडियो एक्टिव S-35, ठीक है, यहां पर सही है। तो उन्होंने क्या देखा, जैसे ही उन्होंने संवर्धन माध्यम को हिलाया, ये प्रोटीन की खोल बाहर छूट जाती है, बाहर छूट जाती है, और कोशिका में, यहां पर क्या मिला, कोशिका में विकरण S-35 का पता नहीं लगा। इसका मतलब बच्चों कि जो सल्फर था वो किसके पास था, वो केवल और केवल प्रोटीन की खोल के पास था, और एक रेडियो एक्टिव क्या हुआ, वायरस की प्रोटीन की खोल हुई, जिसके वजह से ये बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रेडियो एक्टिव P-32 का, मतलब फास्फोरस का। उन्होंने जैसे ही इस बार माध्यम रखा, इस बार प्रोटीन की खोल एक्टिवेट नहीं है, देखिए यहां पर रेड कलर की एक्टिवेट है, यहां इस बार कौन एक्टिवेट है, बीच में देखिए डीएनए एक्टिवेट है, क्योंकि डीएनए के पास फास्फोरस होता है, प्रोटीन के पास फास्फोरस कभी नहीं पाया जाएगा। अब जैसे ही उसे जीवाणु के पास भेजा गया, पहली अवस्था क्या हुई, संक्रमण, यानी जो वायरस था जीवाणु को संक्रमित किया, और उसके बाद देखा उन्होंने कि कुछ समय बाद उसको, मतलब फिर से क्या किया, हिलाया, तो अनावरण की क्रिया हुई, प्रोटीन की खोल बाहर हो गई और जो डीएनए था उसके अंदर स्थानांतरित हो गया। और उन्होंने पाया, क्या पाया, कोशिका में विकिरण यानी रेडियो एक्टिव 32P का पता लगा, यानी उन्होंने अंदर देखा, जीवाणु के अंदर 32P का पता लग गया। तो बच्चों इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे यही प्रूफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि जीवाणु के अंदर कौन जा रहा है, डीएनए जा रहा है। इसका मतलब आनुवंशिक पदार्थ कौन है, डीएनए है। जीवाणु के अंदर क्या जा रहा है, डीएनए जा रहा है। अरे भाई देखिए, यहां पर देखिए, अनावरण की क्रिया में प्रोटीन की खोल तो बाहर रह जा रही है, जैसे ही प्रोटीन की खोल बाहर रही है, लेकिन डीएनए तो अंदर जा रहा ना इसके, यहां भी गया, और जैसे ही उन्होंने चेक किया, उसको देखा जीवाणु के अंदर देखा, तो पता चला कोशिका में रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिल रहा है। इसका मतलब रेडियो एक्टिव फास्फोरस, इसका मतलब इसके डीएनए के पास था, और इसका डीएनए ही क्या गया, जीवाणु के अंदर गया। और यहां पर भी देख सकते हैं आप लोग, यहां पर भी क्या हो रहा, प्रोटीन की खोल, जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन की खोल थी वो बाहर रह गई थी, और जो है कोशिका के अंदर S-35 का पता ही नहीं चला। इसका मतलब प्रोटीन की खोल तो अंदर गई नहीं। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि
कहीं पर भी ट्रांसफर होता है तो प्रोटीन का नहीं बल्कि डीएनए का होता है। अगर प्रोटीन का होना होता बच्चों तो बताइए प्रोटीन की खोल भी अंदर जानी चाहिए थी कि नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं गई। कौन गया इसमें? डीएनए गया इसका। और डीएनए रेडियो एक्टिव यहां पर तो नहीं था, यहां पर डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था, बल्कि यहां पर रेडियो एक्टिव कौन था? यहां पर रेडियो एक्टिव सल्फर था, और रेडियो एक्टिव सल्फर की वजह से प्रोटीन की खोल रेडियो एक्टिव थी। प्रोटीन की खोल तो बाहर ही रह जाती है, प्रोटीन की खोल तो अंदर नहीं गई। अगर अंदर गई होती तो ये यहां पर हमने ये तो नहीं लिखा होता ना कि कोशिका में विकरण S35 का पता नहीं लगा। अगर प्रोटीन की खोल जाती तो हमें पता चलता ना, यहां पर नहीं गई। जबकि यहां पर फास्फोरस रेडियो एक्टिव था, और डीएनए में डीएनए यहां पर रेडियो एक्टिवेट हो गया, और जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो हमने देखा कि अंदर इसके डीएनए हमें रेडियो एक्टिव पाया गया, वो भी कैसा? 32P का। इसे क्या प्रूफ हुआ बताइए? इसे क्या प्रूफ हुआ बच्चों? इससे यही प्रूफ हो गया कि जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है? डीएनए है। क्यों जेनेटिक मटेरियल डीएनए है बच्चों बताइए? क्यों जेनेटिक मटेरियल डीएनए है? उसका रीजन आपको पता चलेगा। बताइए इसका जेनेटिक मटेरियल क्यों डीएनए है? उसका रीजन है कि डीएनए ही जीवाणु के अंदर जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझा दे एक बार, भूल जाइए सब कुछ क्या हम पढ़ाए आपको। इतना चिल्लाए ना जैसे लग रहा है तुम लोगों को मारने आ जाएंगे, अभी चिल्ला रहे थे ऐसा लेकिन आप चिंता मत करिए, फिर से समझा देते हैं आपको। भाई इतना तो पता है ना, झगड़ा चल रहा है अनुवंशिक पदार्थ कौन है, हेडिंग भी बनाई हमने, अनुवंशिक पदार्थ डीएनए है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। और इसको प्रूफ करने कौन आए? अल्फ्रेड हर्ट से मार्था चेस। किस सन में? 1952 ईस्वी में उन्होंने आया। उन्होंने क्या काम किया? दो संवर्धन माध्यम लिया, एक जीवाणुभोजी वायरस को लिया, यानी ऐसा वायरस जो जीवाणु को मारता है, ऐसा वायरस जो जीवाणु को मारता है, उन्होंने उस वायरस को लिया। दो संवर्धन, एक में उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर को रखा, एक में रेडियो एक्टिव फास्फोरस को रखा। कुछ वायरस को उठा के इसमें रख दिया, कुछ वायरस को उठा के इसमें रख दिया। भाई सल्फर तो प्रोटीन के पास होता है और फास्फोरस डीएनए के पास होता है, तो जिस माध्यम में सल्फर रखा उन्होंने तो प्रोटीन की खोल, वायरस की जो खोल होती है प्रोटीन की होती है, तो इसमें तो प्रोटीन की खोल रेडियो एक्टिव हो गई, जबकि इसमें फास्फोरस था तो इसमें रेडियो एक्टिव कौन हो गया? रेडियो एक्टिव उसका डीएनए हो गया। यहां पर प्रोटीन की खोल रेडियो एक्टिव हो जाती है। अब उन्होंने क्या काम किया? इस वायरस को जीवाणु के पास भेज दिया, संक्रमण हो गई भाई, जीवाणु को संक्रमित हो गया जीवाणु। जैसे ही जीवाणु संक्रमित हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि अपना डीएनए भेजेगा, ये वायरस अपना डीएनए भेजा, तभी तो जीवाणु संक्रमित हुआ। और कुछ समय बाद अनावरण की क्रिया हुई, मतलब जैसे ही हिलाया गया तो ये प्रोटीन की खोल बाहर गिर गई। जब उसके अंदर दोनों साइंटिस्टों ने देखा तो उनको S35 का पता ही नहीं चला। इसका मतलब प्रोटीन की खोल अंदर गई नहीं है। अगर गई होती तो भाई S35 रेडियो एक्टिव का पता चलता ना इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर कुछ पता नहीं चला, है ना, कंफ्यूजन हो गई। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो यहां पर भी संक्रमण की अवस्था हुई, इसका डीएनए अंदर गया जो कि रेडियो एक्टिव था। फिर अनावरण की क्रिया हुई, दोनों प्रोटीन की खोल बाहर हो गई। जैसी खोल बाहर हुई, जब इसके अंदर पता लगाया तो उनको पता चला कि भाई इसमें तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस पाया जा रहा है, इसका मतलब वायरस का डीएनए अंदर आ रहा है, वायरस का डीएनए ही केवल अंदर आ रहा है, तभी तो फास्फोरस 32 पाया गया। अगर प्रोटीन आता तो यहां पर भी पता चल जाता, प्रोटीन तो आया नहीं, केवल कौन आया यहां पर? केवल फास्फोरस आया। इसका मतलब वायरस का डीएनए ही ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और जिसके बाद यहां पर बहुत सारे वायरस बनेंगे। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि वायरस का डीएनए इसके अंदर आता है, यानी आया है, और जबकि यहां पर वायरस का डीएनए, वायरस का प्रोटीन नहीं आया, प्रोटीन की खोल तो बाहर रह गई। देखिए यहां पर भी बाहर है, यहां पर केवल डीएनए ही अंदर गया है। तो बच्चों हर्षे और चेस नाम के दो वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करके बता देते हैं कि डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं डीएनए ही इस जीवाणु के अंदर जा रहा है, जबकि यहां पर भी गया था। अगर प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ होता तो बाहर क्यों रह जाता? क्योंकि प्रोटीन तो बाहर रह जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया, यानी हर्षे और चेस दोनों वैज्ञानिकों ने यह प्रूफ कर दिया कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, बल्कि कौन है? डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, यह सिद्ध कर दिया। इससे पहले किसने बताया था? तीनों साइंटिस्ट जिसका नाम हम कमेंट बॉक्स में पूछे, अभी बता नहीं सकते, बताएंगे तो आप कहेंगे सर ये बता दिए, इसलिए तीनों साइंटिस्टों का नाम हमें चाहिए, क्वेश्चन हम पूछे आपसे। ठीक है, तो आज पता चल गया आप लोगों को कि आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित
होता है। इसे प्रूफ किया किसने? इसको प्रूफ किया अल्फ्रेड हर्से मार्थाचेस सन 1952 में। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास शायद आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट था, थोड़ा बहुत फिगर भी था, और हम दो बार समझाए हैं। और प्लीज़ अगर आपको नहीं एक बार समझ में आया तो फिर एक बार आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो अच्छे तरीके से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू बच्चों।